प्रिय छात्र, हमारा पाठ क्रमांक है प्राकृतिक सौंदर्य से पूर्ण अल्मोड़ा। ये पाठ शुरू था। पहले परिच्छेद में हमने लेखक किस तरह यात्रा की तैयारी करते हैं, सूची बनाते हैं, यात्रा पे चल पड़ते हैं। दूसरे परिच्छेद में हमने देखे कि किस तरह अल्मोड़ा जाते हैं, रास्ते में देवदार दरख्त दिखते हैं, फिर वहाँ से बिनसर जाते हैं, बिनसर में मंदिरों की यात्रा करते हैं। आइए अब तीसरा परिच्छेद देखते हैं। अल्मोड़ा सुंदर, आकर्षक और अद्भुत है, बहुत आकर्षक है, देखने के लिए आदमी तड़पता है। इसलिए उदय शंकर उन्होंने अपनी नृत्यशाला यहीं बनाई। नृत्यशाला कहते हैं ऐसा सीखने का अदारा जहाँ पर नाचना सिखाया जाता है, तो नृत्यशाला यहीं बनाई थी। वहीं यानी इस शाला में, नृत्यशाला में विश्वविख्यात नृत्यकार शिशुओं ने नृत्य कला की प्रथम शिक्षा ग्रहण की थी। इसी नृत्यशाला में विश्वविख्यात, यहाँ पर शब्द आया है विश्वविख्यात, विश्वविख्यात यानी पूरी दुनिया में मशहूर जो होता है उसे विश्वविख्यात कहते हैं। तो यहाँ पर विश्वविख्यात नृत्यकार जो नाचते हैं, जो पूरी दुनिया में मशहूर है, ऐसे शिशुओं ने, शिशुओं कहते हैं बच्चों ने, नृत्य की कला, नृत्य नाच और कला का अर्थ होता है हुनर, नाचने की कला का जो हुनर है, कला की प्रथम शिक्षा, जो पहली तालीम शिक्षा कहेंगे तालीम को, और प्रथम मैंने पहला, तो प्रथम शिक्षा ग्रहण की थी। यहाँ पर ही वो जब बच्चे थे तो यहाँ पर ही उन्होंने नाचना सीखे थे और वो इतना कामयाब हो गए कि पूरी दुनिया में मशहूर हो गए। उदय शंकर की तरह रविंद्रनाथ टैगोर को भी अल्मोड़ा पसंद था और यहाँ आकर वो बहुत प्रसन्न हुए। उन्हें यहाँ आत्मिक शांति मिली थी। आत्मिक का अर्थ होता है रूहानी, शांति यानी सुकून। तो रविंद्र टैगोर जब पहली बार अल्मोड़ा आए थे तो बहुत खुश हुए थे, उनको अल्मोड़ा बहुत पसंद आया था, और यहाँ जब वो रुके थे तो उनको यहाँ पर आत्मिक शांति मिली थी, आत्मिक यानी रूहानी सुकून मिला था।